इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम हमारा क्या होता है? ये जो सन है ये हमारा हेड होगा और इसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? 8। फर्स्ट नंबर पे हमारा प्लैनेट है मरकरी, सेकंड वीनस, फिर थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स्थ पे सैटर्न, सेवन पे यूरेनस एंड एट पे नेपट्यून। अब हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? एक तो इनर प्लैनेट और सेकंड कौन सा है हमारा आउटर प्लैनेट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है, तो आप कहेंगे टू पार्ट्स हैं उसके। फर्स्ट है हमारा इनर प्लैनेट एंड देन है फिर हमारा सेकंड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और ये किससे बने हैं? रॉक से बने हैं। और आउटर प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है और ये क्या है? गैसेज एंड लिक्विड से बने हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, हर प्लैनेट के बारे में बताया हुआ है कि वो एक ऑर्बिट जो सन है हमारा उसकी जो परिक्रमा है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है। ऑर्बिट मतलब उसकी प्रक्रिया, परिक्रमा, परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करता है। और क्या बताया हुआ है, खुद की एक्सिस पे कितने दिनों में कंप्लीट करता है। अब आप देखिए ये क्या है हमारा मरकरी मान लीजिए, तो ये क्या है, ये खुद की एक्सिस पे अपने जो एक्सिस, एक्सिस कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। इस पे ये कितना टाइम लगाता है? तो वो अलग अलग प्लैनेट का दिया हुआ है हमारा। फर्स्ट हमें किसके बारे में बताया हुआ है? मरकरी के बारे में। तो मरकरी जो है वो सन की परिक्रमा कितने दिन में कंप्लीट करता है? 88 डेज के अंदर। और खुद के एक्सिस पे कितने दिन में कंप्लीट करता है? वन एक्सिस यानी जो एक एक्सिस है पूरा जो 360 का है वो कितने दिनों में करेगा? 59 डेज में। और वीनस जो है सन की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 255 डेज में। और वन एक्सिस जो है यानी खुद का जो कंप्लीट करता है वो कितने दिनों में करता है? 243 डेज में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्लैनेट अर्थ, ये सन की परिक्रमा कितने दिन में करेगा? 365 डेज में करेगा। और एक्सिस कितने दिन में कंप्लीट करेगा? एक दिन में। इसके जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो कितना है? वन। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ये आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और ये जीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं इसी में से, और इसी में से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपको इनको अच्छे से क्रैम करना है इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नंबर पे प्लैनेट है वो है हमारा मार्स, और ये जो सन की परिक्रमा कितने दिन में कंप्लीट करता है? 687 डेज में। और एक्सिस कितने दिन में करेगा? 1 डे में। इसके नंबर ऑफ मून कितने हैं? 2। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जो हमारा प्लैनेट है वो कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर सन की परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 11 ईयर्स 11 मंथ। वो हमारा नियर अबाउट कितना हो जाएगा? 12 ईयर्स। और एक्सिस कितने पे कंप्लीट करेगा? 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि जुपिटर के कितने मून हैं तो हम कितने कहेंगे? 53। नेक्स्ट सिक्स नंबर पे जो हमारा प्लैनेट है वो है सैटर्न, और ये सन की परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 29 ईयर्स 5 मंथ्स में कंप्लीट करता है। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा पीरियड है इसका। और ये अपनी एक्सिस कितने में करेगा? 10 आवर्स 40 मिनट्स। देखिए इसमें और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जैसे जैसे सन से ये दूर होते जाएंगे, ये क्या है हमारे आउटर प्लैनेट्स, ये सन से क्या है? बहुत ज़्यादा दूर है। और बहुत ज़्यादा दूर हैं तो इनको जो सन की परिक्रमा जो करते हैं उसमें क्या मिलेगा? ज़्यादा टाइम देखने को मिलेगा आपको। तो इसका टाइम कितना है? 29 ईयर्स 5 मंथ्स। और नंबर ऑफ मून्स कितने हैं इसके? 53। सेवन जो हमारा प्लैनेट है वो है यूरेनस, और इसका जो परिक्रमा है सन की वो कितने टाइम में होती है? 84 ईयर्स में। और इसका जो खुद का एक्सिस है वो कितना होता है? 17 आवर्स 14 मिनट्स में। इसके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 27। ठीक है, अब आगे है हमारा एट्थ नंबर पे लास्ट प्लैनेट जो है वो है नेपट्यून, और ये कितने सालों में करता है? 164 ईयर्स में सन की परिक्रमा कंप्लीट करता है। जो एक्सिस कंप्लीट करता है 16 आवर्स 7 मिनट्स में, और इसके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 13। अब आपकी ये क्वेश्चन तो हो गई, हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के देख लिया कि वो सन की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, अपना खुद का एक्सिस कितने दिनों में कंप्लीट करता है या कितने सालों में करता है सन की परिक्रमा, ये सब हमने देख लिया। अब आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स जो हैं किस प्लैनेट के पास है, तो वो किस प्लैनेट के पास है खुद के नंबर ऑफ मून्स? तो वो हम कह देंगे जुपिटर एंड सैटर्न, इनके पास क्या है? इक्वल है। देखिए जुपिटर के पास कितने हैं हमारे? 53। और ऐसे ही
हमारे सैटर्न के पास भी कितने हैं, 53। अब ये पूछ सकता है कि ऐसा प्लैनेट बताइए जिसके पास खुद का ही मून है, यानी खुद की सैटेलाइट है जिसे हम कहते हैं, तो वो कौन सा है? हमारा अर्थ। अर्थ के आपको पता है, अर्थ के यहाँ पे जो ये अर्थ का एक्सिस है, इसके खुद की यहाँ पे एक रोड लाइन बनी हुई है, जो मून क्या है, मून इसकी सैटेलाइट है और इसको कवर करता है, ठीक है, यानी इसकी परिक्रमा करता है अर्थ की। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ मून्स 2 है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है, तो वो हमारा कौन सा है, मार्स है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं और खुद से इन आंसर करने हैं। रीड कर लिया है। सोलर सिस्टम में क्या तारक है, सन है, और इसके 8 प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं। इन सारी अलग जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। तो ये हमारा क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका सन हेड है। डू यू नो, में आप ये देखिए क्या बोल रहा है कि जो सोल है, यानी सोल है, वो किससे आया है, रोमन माइथोलॉजी से आया है, सन गॉड। अब सोलर का मतलब क्या है हमारा, सोलर का मतलब है रिलेटेड टू द सन, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। और आगे ये हमें बता चुका है कि इसका जो हेड है वो क्या है, सन है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। अब फर्स्ट जो हमें बता रखा है सन के बारे में, सन क्या है, हमारा सेंटर है पूरे सोलर सिस्टम का, और ये क्या है, बहुत बड़ा है, और खुद की इसकी एक्सट्रीमली हॉट गैसेज है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नंबर में इसके पास खुद की हॉट गैसेज है, और ये पूरे अपना फोर्स लगाता है और पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करता है, यानी इसके कंट्रोल में करता है पूरे सोलर सिस्टम को। अब अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है सोलर सिस्टम के अंदर, वो किस वजह से है, सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से है, और ट्रेमेंडस हीट जो है वो हमें मिलती है। ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्त, यानी सन की जो है हीट वो खुद की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बट ये हमें अर्थ पे क्या है, हमें इतना फील नहीं होता, क्यों, क्योंकि क्या है, ये हम हमारे बिकॉज डिस्पाइट इसके बावजूद भी क्या है, हमारी जो नियरेस्ट स्टार हैं वो हमें दूर से दिखते हैं। सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। नेक्स्ट जो है वो किसके बारे में बता रखा है, हमने प्लैनेट्स के बारे में बता रखा है। प्लैनेट्स हमारे कौन कौन से हैं, अभी हमने देखे 8 प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये हमारे यहाँ तक हैं इनर प्लैनेट्स। और आउटर प्लैनेट्स कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेप्ट्यून, ये हमारे हैं आउटर प्लैनेट। अब आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, सभी प्लैनेट्स का देखिए, सबसे पहले कौन सा प्लैनेट है हमारा, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेप्ट्यून। तो इन सारों का फर्स्ट वर्ड उठा के एक सेंटेंस बना दिया गया है, जो सेंटेंस है, माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप इस सेंटेंस को याद करके इनके आगे के जो हमारे लेटर हैं, इनसे क्या कर सकते हैं, अपने जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्ड ओरिजिन दिया हुआ है, वर्ड ओरिजिन किसका दिया हुआ है, जियो अर्थ का दिया हुआ है। इसके बारे में क्या बता रहा है, जी का मतलब हमारा क्या होता है, अर्थ, और ग्राफिया का मतलब क्या होता है, राइटिंग। अब आप ये देखिए, जी है यानी जियो, अगर जियो के साथ हम लॉजी बना दें, यानी जियोलॉजी कर दें, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ द अर्थ। तो आपको पता है हम जो क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी, यानी हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर इसी के साथ अगर हम मैटरी मिला देते हैं, तो उसका मतलब क्या बन जाता है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की मेजरमेंट करना। अगर यही चीज़ हम जियो के साथ OID यानी जियोड मिला देते हैं, जो वर्ड बन जाएगा हमारा जियोड, इसका मतलब क्या होता है, रिसेम्बल करना अर्थ की शेप को, ठीक है। तो इसने यही बताया हुआ है कि आगे हमारा क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, ये कहाँ किसके जो मूव करते हैं, सन के परिक्रमा कंप्लीट करते हैं, इनका फिक्स पाथ है, और ये दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, मतलब एलोंगेटेड का मतलब क्या है, लंबा, मतलब खुद का जो एलोंगेटेड पाथ इन्होंने बनाया हुआ है, और इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या तारक है, मरकरी। मरकरी क्या कह रहा है, मरकरी सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है सन के, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है, तो वो हमारा है मरकरी, और ये सब कुछ हमने ऑलरेडी उसी इमेज में देख चुके हैं।
फिगर में जिसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना था। 88 डेज कंप्लीट करने उसको लगते हैं खुद के ऑर्बिट पे। अब नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस। वीनर क्या कहा जाता है? अर्थ का दूसरा भाई भी कहा जाता है, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइज़ और शेप है वो बिल्कुल कैसी है? अर्थ जैसी है। ये देखिए ये पैराग्राफ में क्या बता रखा है कि अगस्त 2006 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंदर मीटिंग हुई थी जिसमें क्या कह दिया गया था कि प्लूटो को हमारे जो प्लैनेट है उससे हटा दिया गया था। ये डिसीजन लिया गया था साइंटिस्ट के थ्रू और इसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया था। ड्वार्फ मतलब जो अब हमारे प्लैनेट का हिस्सा नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ। अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। आपको इन सभी प्लैनेट्स के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट पे कौन सा है? मरकरी। सेकंड पे हमारा वीनस। थर्ड पे अर्थ। फोर्थ पे मार्स। फिफ्थ पे जुपिटर। सिक्स्थ पे सैटर्न। सेवन्थ पे यूरेनस। और एट्थ पे नेपच्यून। आपसे पूछा जा सकता है कि थर्ड पे कौन सा प्लैनेट है, तो हम क्या कहेंगे? अर्थ। और साइज में अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब ये क्या है? स्लाइटली क्या है? फ्लैटेंड है अपने पोल से। ये देखिए अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है। जियोइड मतलब ऐसी है, मतलब ये जो इसका पोल है ये नॉर्थ है, ये इसका साउथ पोल है। तो यहाँ से क्या है, ये ऐसे चिपटा है, बिल्कुल ऐसे है। ये बिल्कुल गोल नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है। यहाँ से अपने पोल से क्या है? फ्लैटेंड है, यानी चिपटा हुआ है। तो इसकी जो शेप है वो क्या है? जियोइड। और जियोइड का मतलब हमने पढ़ा था कि अर्थ की जो शेप है वो क्या है? जियोइड रिसेम्बल करता है अर्थ की शेप के बारे में, जिसे हमें पता चलता है। इसे यहाँ पे भी आपको एक डू यू नो दिया हुआ है जिसमें हमें क्या बता रखा है कि ह्यूमंस जो हैं वो ऑलवेज बीन फैस्किनेटिंग गेजिंग एट द नाइट स्काई। अब देखिए यहाँ पे आपको वो कैप के दो वर्ड मिल गए हैं। फैस्किनेटेड मतलब क्या है? जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? फैस्किनेटेड। और गेजिंग का मतलब क्या है? एकटक। मतलब क्या है? हम रात को ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, रात को जो स्काई में हम क्या करते रहते हैं? देखते रहते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे क्या दिखते हैं? काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्स दिखते हैं। तो वो सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन सभी की मूवमेंट्स को जो पढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। अगर आपसे एस्ट्रोनॉमर्स की डेफिनेशन मांगी जाए तो ये यहाँ पे दी हुई है, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन सा था, तो वो कौन था? आर्यभट्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है अर्थ का आगे कि हमारी अर्थ जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? लाइफ प्रोवाइड करती है। इसकी जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अर्थ पे रह सकते हैं। ना तो ये ज़्यादा गर्म है, ना ही ये ज़्यादा ठंडी है। इसके ऊपर सारी रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर, एयर, जो हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एयर जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? गैस प्रोवाइड करती है, जो क्या है? ऑक्सीजन। जो हम क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं। हम क्या रिस्पायर करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिस्पायर करते हैं। अब आगे देखिए, यही रीज़न है कि अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है। और अर्थ को, अर्थ जो है 2/3 जो सरफेस है इसका किससे है? वाटर से। और बाकी का जो 1/3 हो जाएगा वो क्या है? हमारा कॉन्टिनेंटल सरफेस है। और ये हमारा ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है इसी वजह से अर्थ। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।